नमस्कार दोस्तों, द स्टडी के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि हमने जो है डिकोड एग्ज़ाम नाम का एक नया प्लेटफार्म बनाया है और जिसके लिए हमें और साथियों की रिक्वायरमेंट हैं जो हमारे साथ काम कर सकें। तो उस विषय पर बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अब मैं डिकोड एग्ज़ाम पर ही लगातार पढ़ाऊँगा और इसलिए अगर अभी तक आपने डिकोड एग्ज़ाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिकोड एग्ज़ाम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ मैं एकदम रेगुलर हूँ। जो आपकी शिकायत थी कि आप एकदम गायब हो जाते हैं, ईद के चांद हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि अब रेगुलर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ रोज़ मैं आपसे मिलता रहूँगा और बहुत सारी नई नई चीज़ें वहाँ पर हम सीखते रहेंगे, ठीक है। तो आप जो है अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो डिकोड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पर मैं अब आपसे मिलूँगा। तो ये बात हो गई। अब जो है हम मुख्य बात पर आएँ जो हम करना चाहते हैं कि हमें जो है कुछ साथियों की ज़रूरत है। तो किस प्रकार के साथियों की ज़रूरत है, क्या करना होगा, उसको समझ लीजिए। तो हमें जो है पहले नंबर पे तो कंटेंट राइटर्स चाहिए, ठीक है। क्या लिखना होगा, तो MCQ आपको बनाना होगा। अगर आपको ज़्यादा समझना हो कि किस प्रकार का बनाना हो तो हम लोग डिकोड एग्ज़ाम पर कई MCQ डाल रहे हैं डेली, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्याख्या लिखनी है, एक जो है क्वेश्चन ढूंढना है, उसके चार ऑप्शन देने हैं, उसका जो सही उत्तर है उसे बताना है, फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। वो आप जा करके डिकोड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप समझ सकें कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके अलावा दिन भर जो खबरें आई उनमें जो बड़े मुद्दे आए, ठीक है, उन मुद्दों पर जो है आपका आर्टिकल लिख सकें आप जो है। वीडियो के लिए कंटेंट लिख सकें आप जो है, जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन का मैंने कंटेंट लिखा और वो डिकोड एग्जाम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इधर चार पांच दिनों से जो है 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक मोदी जी ने बुलाया था, तब से वो बहुत चर्चा में है विषय वन नेशन वन इलेक्शन। तो उसके लिए उस दिन का वो बड़ा मुद्दा था, उस पर मैंने मैटर बनाया और उसे पढ़ाया, तो उस प्रकार से जो है आपको मैटर बनाना होगा। तो वो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार का। अच्छा, सारी बातें करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जो भी बात मैं बता रहा हूं उसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया है, जो मुझे लोग जानते हैं उसमें सबको पता है कि वीडियो चले ना चले वो सब अपने जगह की बात है, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी है। हर जगह जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी का प्रयास किया गया है, और इसलिए अगर आप परंपरागत तरीके से ये सब काम कर सकते हैं करते हैं तो फिर जो है हमें क्षमा करिएगा, ठीक है। हम ये मानते हैं कि ज्ञान की कमी होगी तो वो जो है पढ़ने से ज्ञान की कमी पूरी हो सकती है, लेकिन सृजनात्मक क्षमता जो है किसी के अंदर पढ़ने से नहीं आ पाएगी। तो आप जो है क्रिएटिव हों इसका जो है आप विशेष ख्याल रखें, ठीक है। तो MCQ बनाने के लिए, दिन भर के बड़े मुद्दों पर जो है आर्टिकल लिखने के लिए, ठीक है, हमें लोगों को चाहिए। उसके अलावा जो है हम लोग जो है UPSC और UPPSC, चूंकि दोनों का सिलेबस आज के समय में सेम है आप जानते हैं, तो इनका जो सिलेबस है चारों पेपरों का, उन पे जो है कंटेंट हम बनाना चाहते हैं, और उस पे कंटेंट लिखने की अगर आपके पास योग्यता हो तो आप जो है हम लोगों से संपर्क करें। अब क्या क्या उसमें लिखा जा सकता है, तो हिस्ट्री का कंटेंट लिखा जा सकता है, पॉलिटी का कंटेंट लिखा जा सकता है, ज्योग्राफी का कंटेंट लिखा जा सकता है, इकोनॉमी का कंटेंट लिखा जा सकता है। इस तरीके से एक पूरा जो है हमारा अपना डिकोड एग्जाम का एक हमें मटेरियल तैयार करना है, ठीक है। ये मटेरियल भी तैयारी करना है और
टीचिंग भी करनी है, तो अभी तुरंत के लिए हमें टीचिंग प्रोफाइल के लिए हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास जो है कंटेंट तैयार करने के लिए। तो आप टीचिंग भी कर सकते हैं, कंटेंट भी अगर तैयार कर सकते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, पहले हम लोग कंटेंट बनाएंगे फिर टीचिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया यूपीएससी का पूरे सिलेबस का हमें कंटेंट तैयार करना है। अगर आप क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं इसको जो है, तो आप हमें मैसेज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है हमें पीपीटी बनाने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो अगर आप बहुत अच्छी पीपीटी बना लेते हो और जो है क्रिएटिविटी आपके अंदर हो, जैसे पीपीटी किस प्रकार से बनाना है उसका अगर आपको देखना होगा तो इसी जो है चैनल द स्टडी पर आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर की समस्या जो मैंने पढ़ाया है उसमें, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीपीटी आपको किस प्रकार की बनानी है। या फिर डिकोड एग्जाम पर जो है बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि आपको पीपीटी किस प्रकार की बननी है, बनानी है। तो काम चलाऊं पीपीटी नहीं, आप जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिए किस तरह की पीपीटी बनाई गई है। तो पीपीटी के लिए जो है भी आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अच्छी पीपीटी और क्रिएटिविटी, आप नया सोच पाते हो चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो ये करने के लिए, ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब आपको करना क्या है, तो आपको जो है 9506742546 इस नंबर पे आपको जो है हमें WhatsApp करना है। क्या लिख करके, तो पहले तो अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन लिख दीजिएगा। क्वालिफिकेशन आपकी केवल जो है हमारे जानकारी के लिए, इस पर हमारा बहुत विशेष जोर नहीं है, ठीक है, हमारा जोर आपके ज्ञान पर है। उसके अलावा आप क्या करने के लिए आपने मैसेज किया है, आप हिस्ट्री का नोट्स बनाएंगे, कि आप जो है MCQ बनाएंगे, कि आप जो है बड़े मुद्दों पर लिखेंगे, ठीक है, या द हिंदू के आर्टिकल्स का आप एनालिसिस करेंगे, तो क्या आप करेंगे ये भी जो है उसमें लिखिए, अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन और क्या आप करेंगे वो लिख करके व्हाट्सएप करिए, फ़ोन मत करिएगा, हम जो है देखेंगे, हम आपको फ़ोन करके आपसे बात कर लेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप मत करिएगा, ठीक है। तो बस इतनी ही बात करनी थी, जो लोग चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना उनको हम मौका देना चाहते हैं और एक टीम बना करके हम काम करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे साथ जुड़ करके निश्चित रूप से मॉनेटरी लाभ जो आपको होगा वो तो होगा ही, आप बहुत कुछ सीखेंगे भी, ऐसा मुझे भरोसा है। तो आप जो है हमें मैसेज करिए, अगर आपके पास जो हमने एलिजिबिलिटी बताई, कोई खास क्राइटेरिया नहीं है उसका, तो आप हमें मैसेज करिए, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक डिकोड एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग डिकोड एग्जाम को सब्सक्राइब करें, मुझे बेहद खुशी होगी, वहाँ आपके कमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप ही लोगों के बल पर मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम जो है लॉन्च करने का हौसला जुटाया है, तो मेरे साथ जो है रहें और मेरी हौसला अफजाई करें हमेशा की तरह। नमस्कार।